शुक्रिया, बस अब रहने दो इसे, कल कल बात करेंगे, आज के लिए रहने दो जो भी है, या आज बात नहीं करना चाहते हैं, कल बात करेंगे। कल तो कल करेंगे, माइक आपके पास ही है वैसे, जी कल मिलते हैं, कल हम एक नया पॉडकास्ट करेंगे तो उसमें यश जी को, जी बिल्कुल कल बताया जाएगा, ठीक है, आज के लिए रहने दो, बाय बाय। हेलो गाइस, सभी को नमस्कार। तो आज हम हैं एक नए पॉडकास्ट में और आज हम बात करेंगे कि कैसे डाटा एनालिटिक्स कोर्स के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। और आज हमारे साथ हैं एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ गोलवे के, जिनका नाम मिस्टर यश है। हेलो मिस्टर यश, हाउ आर यू? बढ़िया, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, मैं काफी अच्छा हूँ और आपसे मिलके और अच्छा हो गया हूँ। तो प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सो मेरा नाम यश कर गए और मैं यूपी से हूँ। वैसे बहुत सारे लोगों को वैसे मैं धनकौर से हूँ, लेकिन लोगों को पता नहीं होता धनकौर, तो मैं ग्रेटर नोएडा बोल देता हूँ। गाइस मैं बता दूं, धनकौर बहुत ही फेमस जगह है ग्रेटर नोएडा की, और वहां से भाई बिलोंग करते हैं। जी जी, बस जितना फेमस है उतना ही। ठीक है ठीक है। तो आप यहाँ पर डाटा एनालिटिक्स कर रहे हैं, तो आपका एक तो पहले प्रीवियस बैकग्राउंड क्या रहा है ग्रेजुएशन में, और आपका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है, और आपने क्यों डाटा एनालिटिक्स कोर्स चूज किया यहाँ पर? तो मैंने अपनी बैचलर्स करी थी ग्रेटर नोएडा से ही, जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, वहां से मैंने आईटी में लिया था। जिस उस टाइम क्या कहते सीएस में लेना था, लेकिन मतलब सीएस उस टाइम मिल नहीं पाई तो मैंने आईटी ले लिया। कोई नहीं, बढ़िया बढ़िया। तो क्योंकि सेम ही होते हैं, बस 40 सब्जेक्ट्स में से कुछ 2-3 सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, तो मैंने आईटी ले ली थी। तो वहां से मैंने बैचलर्स करी, फिर मास्टर्स का मैंने बहुत सारी कंट्रीज थी पहले चूज कर रखी थी, इसमें जाना इसमें नहीं। फिर फाइनली बहुत सारे रीजंस की वजह से मैंने आयरलैंड चूज करी एज अ कंट्री। क्योंकि ये जो बहुत सारे रीजंस हैं, ये मैं जानना चाहूंगा कि क्यों आपने आयरलैंड को चूज किया। चलो चलिए ठीक है, पहले पहले कोर्स का बताओ, बाद में आयरलैंड की बात करेंगे। ठीक है, पहले कोर्स। तो फिर फाइनली मुझे कोर्स था, मुझे डेटा एनालिटिक्स में इंटरेस्ट था, तो मैंने डेटा एनालिटिक्स कोर्स को चूज करा। तो फाइनली है, आगे हैं, बस यहीं पे कर रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपने आयरलैंड को क्यों चूज किया? उसके पीछे रीजंस जो थे, एक तो था कि पहले बहुत सारे ऑप्शंस में जैसे अमेरिका था, तो वो उसको मैंने पर्सनल रीजंस की जगह कट कर दिया था। पर्सनल? हाँ, वो पर्सनली रहने। चलो ठीक है, नहीं बोले हर चीज को नहीं बताना होता है। ठीक है। तो हाँ, और ऑप्शंस भी थे, ऑस्ट्रेलिया था जैसे, और न्यूजीलैंड था, यूके नहीं था रिसेशन की वजह से मिली, और न्यूजीलैंड भी इसलिए ऑप्शन था, एक तो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं और वहाँ पे मेरे भैया भी रहते हैं कजन, तो उस चीज का ही फर्क पड़ता है, अगर आपके कोई कजन रहते तो हेल्प हो जाती है आपकी। तो फाइनली फिर आयरलैंड इसलिए चूज करा गया क्योंकि आयरलैंड यूरोप का आईटी हो है एक तरीके से, ऑलमोस्ट हर कंपनी का यहाँ पे उनका ऑफिस है ड्यू टू टैक्स रीजंस, जो कि उन्हें बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इसलिए फिर मैंने आयरलैंड चूज करा क्योंकि मेरे टेक फील्ड में भी था और आयरलैंड टेक हब है, इसलिए तो मैंने फाइनली आयरलैंड चूज करके फिर मैं यहाँ पे मास्टर्स। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपका जो डाटा एनालिटिक्स कोर्स है जी, मैंने इसके पीछे भी एक कोई स्टोरी सुनी है, तो क्या वो स्टोरी आप बताना चाहेंगे? मतलब मैंने वो कहीं पे सुनी थी, कुछ ऐसा था तो जी, वो शायद मैं ही बता रहा था आपको। हाँ कि डाटा एनालिटिक्स, आप पूछ रहे थे कि डेटा एनालिटिक्स क्यों चूज करा, तो मैं ऐसे ही बता रहा था कि मेरा इंटरेस्ट था डेटा में, और उसके पीछे स्टोरी ये है डेटा एनालिटिक्स की कि यूएस की एक बहुत बड़ी चेन है टारगेट, तो उसने स्टार्ट करा था क्या कितने लोगों के डेटा को कलेक्ट करना, शायद ये 2012 की बात है। ठीक है। तो वो डेटा एनालिटिक्स, क्योंकि डेटा से वो पैटर्न्स निकालने स्टार्ट करा था उन्होंने कि लोगों की कंज्यूमर्स की हैबिट्स क्या हैं, वो सब उन्होंने ट्रैक करना स्टार्ट करा ताकि वो उन्हें अपसेल कर सके और उन्हें प्रमोशन दे सके, जो उन्हें पता है कि ये मोस्ट लाइकली खरीदने वाले हैं तो उस पर और ऑफर दे ताकि लोग और खरीदें। बिल्कुल बिल्कुल। सो इसके पीछे स्टोरी ये थी कि जब ये स्टार्ट हुआ तो टारगेट ने एक टीनेजर को रिकमेंड, उसको शायद मैसेज ईमेल करा था जो था कि कॉन्ग्रेचुलेशंस मदर बनने के लिए। अच्छा। लेकिन तो हाँ, तो उसने अपने घर पे तो बताया नहीं था कि ऐसा कुछ सिचुएशन है कि वो प्रेग्नेंट है। हाँ। लेकिन उसके पेरेंट्स को जब ये मैसेज पता चला तो उसके पेरेंट्स बता गए कि क्या है, कैसे सीन है। हाँ। तो उस टाइम टारगेट के मैनेजर ने उन्हें सॉरी बोला कि सर वो बस पीछे से मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, मतलब डेटा एनालिटिक्स हमारे पीछे से प्रोसेस हो रहे हैं, तो उसने बस रिकमेंड करा, तो इसके लिए सॉरी, गलत रिकमेंड भी हो सकता है। लेकिन कुछ हफ्ते बाद उसके लड़की के
फादर आके ही मैनेजर को बोलते हैं कि आप सही थे, मुझे बाद में पता चला कि मेरी लकी। पर ये कैसे पता लगा उनको? कैसे पता लगा उनको? जो किसको? कंपनी को। कंपनी ने पैटर्न्स क्या कहते हैं फाइंड आउट कर रखे थे कि जब क्या कहते हैं मोस्टली प्रेग्नेंट लेडीज ये सब खरीदती हैं, जब वो प्रेगनेंसी की स्टेज में होती हैं, अर्ली एज में से होती हैं, तो उनकी ये बाइंग हैबिट्स होती हैं, तो वो उसको मैच कर रहे थे कि उस लड़की की। पर ये तो गलत है, मतलब ये तो ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी किसी फ्रेंड के लिए या किसी फैमिली में किसी के लिए ले जा सकते हैं। एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, तो एक्सेप्शन को एक्सेप्शन ही रहने देते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, चलो इस पे ज्यादा बहस नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब मेरा सवाल है कि आपकी जो यहाँ पे एक साल की जो जर्नी रही है उसमें आपको कुछ ऐसा स्पेसिफिक बहुत अच्छा लगा हो वो मैं आपका जानना चाहूंगा, गोलवे में स्पेसिफिकली। गोलवे काफी अच्छा है, काफी शांत कह सकते हो शहर है एक तरीके से। यहाँ पे काफी अच्छा लगा ये चीज मुझे, यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल हैं, मतलब थैंक यू सॉरी बहुत ज्यादा बोलते हैं, मुझे भी आदत पड़ गई है। सॉरी चेस में इनका अलग डायलॉग, तो वो आदत पड़ जाती है सॉरी थैंक यू बोलने की, तो वो लोग बहुत अच्छे हैं। दो आपकी एक मीटर पहले तो गाड़ी रुक जाएगी कि पहले आप जाएं फिर हम निकलेंगे। हाँ, पेडेस्ट्रियंस को यहाँ पे भगवान मानते हैं। हाँ, मतलब पेडेस्ट्रियंस की यहाँ पे पूजा की जाती है कि अगर कोई भी गाड़ी आ रही है और पेडेस्ट्रियन वहां पे खड़ा है तो पहले वो क्रॉस करेगा। ऐसा नहीं है इंडिया की तरह कि हॉर्न दिया और चलो निकल गए, ऐसा नहीं है। उसके पीछे 4,000 यूरो भी देने पड़ते हैं ना जब गलती से लग गया तो, रीजंस है लेकिन ठीक है, लेकिन लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के। हाँ ठीक है, गोलवे का तो ये बोला जा सकता। और स्पेसिफिकली आपके कोर्स से रिलेटेड मैं पूछूंगा कि आपके कोर्स में ऐसा कौन सा मॉड्यूल था जो आपको बहुत अच्छा लगा, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ गोलवे ने क्या आपको ऐसी स्पेसिफिक स्किल दी जिससे कि आप आगे इन फ्यूचर जॉब्स में उसको एक्सपेल कर पाए। तो मॉड्यूल्स से बहुत अलग अलग थे, जैसे एक मशीन लर्निंग था जिसने बहुत सारी चीजें सिखाई कि मशीन लर्निंग हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे पैटर्न्स को फाइंड आउट करा जाता है। एक बहुत अच्छा मॉड्यूल था जो था वेब एंड नेटवर्क साइंस, जो एक प्रोफेसर ने पढ़ाया था हमारे, तो वो इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि प्रोफेसर ने इस बार कुछ अलग करा था। उन्होंने ये कहा कि थ्योरी तो सब पढ़ लेते हैं, तो ऐसा करते हैं क्यों नहीं कि तुम अपना खुद सोशल नेटवर्क बनाओ, कि तुम्हारी ये दोस्त हैं उनके थ्रू एक नेटवर्क बनाया पूरा हमने प्रॉपर बनाया, और फिर उसके ऊपर ही हमने अपनी वो जो अंडरस्टैंडिंग थी जो हमें सिखाया जा रहा था उससे कहते थे अब इस पे अप्लाई करो। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें फाइंड आउट करें, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, बहुत लोगों को बताया नहीं है मैंने। तो जैसे एग्जाम्पल था कि कोई मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। अच्छा, लेकिन चलो भाई, नहीं नहीं एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा। तो कि लेकिन मेरी मम्मी को पता चला है, लेकिन वो जानना चाहती है उसके बारे में, लेकिन वो मुझसे नहीं पूछना चाहती, तो कैसे पता लगाया जाए आपके फ्रेंड सर्कल से? तो उसमें वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकाला जा सकता है, तो उसमें मैंने ये निकाला था, एग्जाम्पल दिया था, प्रोफेसर को अच्छा लगा था एग्जाम्पल, तो उसमें दिखा रहा था कि मेरी फ्लैटमेट है, बस मेरी मम्मी को उनसे पूछना है और वो सब जान सकती है उसके बारे में, कौन आता है, कैसे आता है, कौन दोस्त है, कौन दोस्त है, क्या है। तो ये बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो ये मतलब कुछ अलग। चलो एग्जाम्पल छोड़ते हैं, आपके कोई ऐसे पसंद नहीं आएगा यहाँ पर? नहीं, वो बाद में बात करेंगे। नॉट ऑन कैमरा गाइस, नॉट ऑन कैमरा। ठीक है ठीक है, मतलब आपके जो डाटा एनालिटिक कोर्स है इसमें कितने इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं ये मैं एक बार, और कितनी फीस है इस कोर्स की? जी मेरे टाइम पे तो इसकी 25,000 यूरो। 25,000? जी हाँ, कोर्स क्योंकि अच्छा है, उसकी डिमांड अच्छी खासी है, तो हाँ। फीस ऑफ कोर्स की बात अच्छी खासी है। मेरे कोर्स में सिर्फ 40 की कैप है, किसी 40 लोग ही लेते हैं, 40 टोटल स्टूडेंट्स। हाँ, 40 से ऊपर एक भी नहीं लेते, इसके ऊपर ये 40 की कैप लगा रखी है मेरे वाले। अच्छा, अरे वाह बढ़िया। तो और कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में अप्रोक्सीमेटली? मेरे में एटलीस्ट 27 to 28 इंडियंस थे। 28 इंडियंस आउट ऑफ 40 अप्रोक्सीमेटली, आउट ऑफ 40। ओके, उसमें फिर 5 से 7 मिनिमम चाइनीज थे। ठीक है, तो 33 तो मिनिमम हमने एशियंस थे। तो और उसमें 3 से 4 यूरोपियन यूनियन और सब मिला के, ठीक है, तो चेक कम बोल रहा हूँ मैं नंबर थोड़ा सा, लेकिन ऐसा ही है। हाँ, मतलब फिर सेकंड मोस्ट थे चाइनीज, और फिर उसके बाद यूरोपियन यूनियन सबको मिला। ठीक है, बहुत कम मतलब यूरोपियन यूनियन सब। ठीक है,
और मेरे को एक और सवाल है कि आपके कोर्स में मतलब कोर्स के क्लासेस के दौरान क्या आप पार्ट टाइम कर सकते हो? पार्ट टाइम का टाइम होता है करने का? रिकमेंड नहीं करा जाता मेरे कोर्स में, क्योंकि मेरा कोर्स आसान नहीं है। तो मैं मुझसे आज भी किसी ने पूछा कि क्या क्या है, कैसा है कोर्स के बाद ये कर सकते हो। मतलब तो कितने घंटे की क्लासेस होती हैं आपकी ऐसे मेरे की नॉर्मली सरप्राइजिंगली मिनिमम 5 घंटे की तो होती है, 4 से 5 पर पर डे डे 5 घंटे, हो जाता था मेरे में। ऐसा का फोर ऐसा टू फाइव शेड्यूल था, 4 to 5 था, किसी दिन 3 आवर्स की थी, लेकिन वो एक ही दिन रहता बट होगा। अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हो तो मैनेजेबल है कि आपको थोड़ा एक्टिव हो जाएगा? मैनेजेबल मुश्किल हो जाता है, रीजन बीइंग एक तो बहुत सारे असाइनमेंट्स मिलते हैं मेरे कोर्स में। तो लोगों, जैसे एक कोर्स है BA, उसकी मेजोरिटी लोग यहाँ पे पार्ट टाइम करते हैं क्योंकि उनका कोर्स थोड़ा आसान है। लेकिन DA में थोड़ा बहुत टेक्निकल कोर्स है, और टेक्निकल की बात नहीं, हमें जो असाइनमेंट्स मिलते हैं, हमारी ज्यादा क्लासेस और वो सब, उसकी वजह से इतना टाइम आराम से नहीं, आप पार्ट टाइम के लिए अच्छा नहीं ठीक निकाल है, पाते। मतलब अगर किसी को बहुत ज्यादा हसल करना है, बहुत ज्यादा अपने आप को हेक्टिक शेड्यूल हो जाएगा, मतलब अगर कोई पार्ट बहुत टाइम ज्यादा कर, एक्टिव शेड्यूल हो जाएगा, बहुत बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो तो आपकी आप क्लास में कोई ऐसे पार्ट टाइम नहीं कर रहा है मतलब? शायद फर्स्ट सेमेस्टर में तो कोई नहीं कर रहा था, क्योंकि पहले ही सब इंडिया से बॉम्बे आए थे, तो हाँ वही आसान नहीं होता। एक एक सेमेस्टर तो आपको पता ही नहीं चलता हुआ क्या मेरे हाँ साथ बिल्कुल बिल्कुल कि कब चला गया। एक एक सेमेस्टर तो आपको सेटल होने में लग जाता है ट्रू। फिर। लेकिन सेकेंड सेमेस्टर से कुछ लोगों ने, मतलब हो सकता है आधी क्लास हो, उन्होंने, ठीक लोगों है ने पार्ट टाइम करना स्टार्ट कर दिया था। बहुत सारे लोगों को जिनको मैं जानता था, उन्होंने पार्ट टाइम कुछ ना कुछ कर रहे थे। ठीक है, चलो बढ़िया। तो सबसे फेवरेट सवाल पे आते हैं, जो सबका सवाल होता है कि भाई इसके बाद नौकरी मतलब जॉब, इसका क्या स्कोप है? और गाइज आप सबको मैं बता दूं कि यश जी की नौकरी लग चुकी है, इनकी इंटर्नशिप लग चुकी है, बढ़िया, अगले 1 साल के लिए, और उसके बाद 99% चांसेस होते हैं कि वो फुल टाइम में कन्वर्ट हो जाती है। वो तो ऐसा मतलब परफॉर्मेंस वो मेजर, वो परफॉर्मेंस पे चीजों डिपेंड पे करता होता है, है। हाँ बट भाई की इंटर्नशिप लग चुकी है और हम जॉब के बारे में आपका राय जानना चाहेंगे। तो सच बोला जाए तो आसान नहीं है आसान तो नहीं होता कुछ भी बिल्कुल आसान, जॉब आसान लेना, नहीं है। तो जॉब लेना और वो भी आयरलैंड में आफ्टर योर ग्रेजुएशन या मास्टर्स, तो टफ तो है जी, बट उसके फिर भी पीछे मेन रीजंस ही हैं। तो बहुत चीजों पर डिपेंड करता है, आप फ्रेशर हो या फिर आपके पास 3 साल तक का एक्सपीरियंस है, या फिर आपके पास आपको 4 से 5 से ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे ये 3 कैटेगरीज होती है। मैं आता हूँ फ्रेशर में, क्योंकि मैंने पिछले साल ही मास्टर्स करी थी और मैं तुरंत यहाँ पे आ गया था। तो फ्रेशर्स को तो मेरे हिसाब से ग्रेजुएट रोल मिलता है। ग्रेजुएट मिलता है, लेकिन उसमें भी इतना आसान नहीं होता ग्रेजुएट अच्छा मिलना, एनीवे क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे कि वीजा, बहुत सीन है इस चीज पे भी। तो इसका एक्सपीरियंस का फर्क पड़ता है, मुझे मुझे वजह से नहीं था। तो मैंने भी पता नहीं, बहुत टाइम से मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था। मैं सितंबर से अप्लाई कर रहा था सारे ग्रेजुएट रोल्स में, हाँ एक में आता, किसी में नहीं आता। मतलब मिनिमम मैंने 300 के आसपास जॉब में अप्लाई करा होगा, ओहो, तो जिसमें मतलब बहुत से टफ है। आप देख सकते हो कि 300 जॉब में अप्लाई किया तब हमारे पास एक जॉब आई है। हाँ, उसके पीछे रीजन्स ये था कि 300 में से 50 का मुझे, मतलब आगे का नेक्स्ट राउंड का आया। क्योंकि अरे वाह, उसके पीछे रीजन बहुत सारे होते हैं कि जो 250 में से नहीं आया वो थे मेनली वीजा पे रिजेक्ट कर देते थे। वीजा स्पॉन्सरशिप चाहिए जब बोलोगे तो वो तुरंत रिजेक्ट हो जाता है, ओके तो ATS से आगे जाता ही नहीं है। तो ये भी रीजंस होते हैं, कई बार आप प्रोफाइल मैच नहीं कर रहे होते, लेकिन ट्रू ट्रू मेन रिजेक्शन आते हैं ATS की वजह से, जो कि ट्रू होता है वीजा। ठीक है, वीजा स्पॉन्सरशिप 50 में से 10 का मुझे ऐसे इंटरव्यू का आया होगा कि हाँ इंटरव्यू आपका ये है। उसमें से एक में मैं लास्ट राउंड में रहा था, एक में मैं लास्ट तक गया, मैंने सब कुछ करा, लेकिन उसमें उनका फिर रिवर्ट बैक ही नहीं आया। फिर मुझे 2 महीने बाद, अभी एक हफ्ते पहले, मैसेज आया कि सॉरी, क्या कहते हैं, हमारा वो हो गया था, हमारी वो पोजीशन, हमने वो हटाई दी, अच्छा तो इसलिए वाह, आपको सेलेक्ट नहीं करा, ऐसा कुछ नहीं है। और फाइनली एक में हो गया, तो बस हो गया। चलो बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा। तो फाइनली आप कुछ हमारे व्यूअर्स को कुछ ऐसा सजेस्ट करना चाहोगे? सजेशंस में एक तो ये है, लोग बहुत सारे सोचते हैं कि मेनली लोग ये सोचते हैं जब गॉलवे की, क्या गॉलवे कैसा होगा, ये सब बहुत क्वेश्चंस मुझसे पूछते हैं। तो उसमें ये बोलूंगा कि ज्यादा मत सोचो, आ जाओ जब आ जाओगे जा तो पाओगे नहीं तो फिगर ओके आउट खुद ही कर लोगे तो बिल्कुल बिल्कुल, ये वो सब हो तो जाएगा धीरे धीरे। सब चीजें जब प्रॉब्लम लगती है, सब कि पहले स्टार्टिंग में पैरों में दर्द होगा, जब पता चलेगा कि
5-5 किलोमीटर चलना पड़ता है हर रोज, तो वो सब नॉर्मलाइज हो जाएगा। मेनली कहूंगा जॉब का इतना सोचते हैं लोग कि करो, अप्लाई करो, करते रहो स्टार्टिंग से, सब कुछ एक कहीं ना कभी तो होगा। कि जॉब्स आपको सितंबर से अप्लाई करना शुरू कर देना है के लिए, फ्रेशर्स के लिए। और जिनका एक्सपीरियंस है उनका थोड़ा अलग सीन होता है, उसमें मैं ज्यादा अभी इसलिए बहुत बता भी नहीं सकता क्योंकि मैं अभी मेरे दोस्तों की लगेगी जो जिनके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ पे स्टैम्प 1G जब आपको मिलता है ग्रेजुएशन के बाद, तब ये मोस्टली जो जॉब्स एक्सपीरियंस वाली होती हैं तब आपको क्या कहते हैं सिलेक्शन होता है, तब मेनली आपको कंसिडर करते हैं। तो इस वजह से उनका भी रह रहा है, तो उनका जब होगा तब मुझे पता चलता है, तब मैं इसका पता पाऊंगा। ठीक है, तो कर लो, सब हो जाता है, सब धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। ठीक ठीक है गाइज, नेक्स्ट मिलते हैं आपसे, मिस्टर शौर्य जी आ रहे हैं हमारे पास और उनके लिए अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, वो होगा स्पेसिफिकली टू साइबर सिक्योरिटी, और वो हमारे साथ में एक और गेस्ट हैं शौर्य जी, वो करेंगे। थैंक यू सो मच मिस्टर यश, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और जल्दी ही अगर किसी का कोई डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। शुक्रिया।